गायों के हमदर्द बने युवा समाजसेवी विकास दादा के द्वारा लगातार एक वर्ष से गायों की सेवा की जा रही है। लू के थपेड़े, ठंड का प्रकोप, झमाझम बारिश या फिर करना हो तूफान का सामना, बेबस गायों की भूख मिटाने का सिलसिला युवा समाजसेवी विकास दादा के द्वारा पिछले एक वर्ष से निरंतर जारी है। गोविंद कुंड, आन्योर श्रीनाथ जी मंदिर, चौक पूछरी और सुरभि कुंड जतिपुरा, इन तीन स्थलों पर रोज 400 किलोग्राम हरा चारा बेसहारा गायों के लिए डाला जाता है। गोवर्धन के गांव आन्योर निवासी विकास दादा ने 16 मई 2020 को इस सेवा की शुरुआत की थी, जिसे 16 मई को एक वर्ष पूर्ण हो गया और ये सिलसिला शानदार तरीके से आज भी जारी है। विकास ने बताया, करीब 80 गायें रोज चारा खाती हैं और अब तो इन गायों से हमारा गहरा संबंध बन गया है। ये गायें हर रोज जब तक अपना ई रिक्शा लेकर नहीं पहुँच जाते अपने तीन स्थानों पर उम्मीद लगाए खड़ी रहती हैं। सेवा के एक महीने का खर्चा 48,000 रुपए होता है। साथ ही विकास ने कहा कि कुछ फर्जी गौरक्षक गौ तस्करों से हर महीने मोटी रकम वसूलते हैं तथा सोशल मीडिया पर फर्जी गौरक्षक पोस्ट डालकर गौ भक्तों से प्रति माह गौ सेवा के नाम पर रुपए लेते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अवैध हथियारों के बल पर गौ सेवा नहीं हो सकती और गौ सेवा की आड़ में फर्जी गौरक्षकों द्वारा जो लूट चल रही है वे घोर निंदनीय है। वे बोले कि अधिकांश गौरक्षक एक भी गौवंश अपने घर में नहीं पालते, अगर वे ऐसा करें तो लोगों को प्रेरणा ही नहीं बल्कि सड़कों पर गाय भी नजर न आए। इसकी सेवा में उनकी मदद उनके पिता भंवर सिंह मास्टर और बड़े भाई आकाश दादा करते हैं। विकास ने खुद अपने घर एक गाय पाल रखी और गौ सेवा के साथ साथ श्री बाबूलाल महाविद्यालय में लौ प्रथम वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है आपका? विकास। आपकी सेवा को एक वर्ष पूर्ण हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले वर्ष 16 मई से हमने यह सेवा शुरू की थी और आज एक 16 मई को इस सेवा को एक वर्ष पूर्ण हो गया। आप पीछे देख रहे हैं गोविंद कुंड का ये स्थान है। गोविंद कुंड पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट श्रीनाथ जी मंदिर पूछरी, तीसरा पॉइंट सुरभि कुंड जतिपुरा होता है। यहाँ पर 400 किलोग्राम चारा 16 मई से लगातार डाला जा रहा है बेसहारा गायों को लिए। इन बेसहारा गायों से हमारा ऐसा संबंध जुड़ गया, जब तक हम ई रिक्शा अपना लेकर नहीं पहुँच जाते उससे पहले ही हमारा ये इंतजार लगाए खड़ी रहती है, आस लगाए खड़ी रहती है कि हमारे लिए हरा चारा आ रहा होगा। तो विकास जी, इस सेवा के दौरान आपका कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, एक महीने में 48,000 रुपये का इसका खर्चा आ जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन फर्जी गौरक्षकों को बताना चाहता हूँ कि जो हर महीने गौ सेवा के नाम पर गौ तस्करों से हर महीने पैसे बड़े बड़े मोटी रकम वसूलते हैं, सोशल मीडिया पर इतने बड़े गौरक्षक बनते हैं कि गौ भक्तों से हर महीने उनसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से रुपए लेते हैं। ये गायों में शास्त्रों में गाय को माता कहा गया और माता की आड़ में जो लूट चल रही है बेहद ही निंदनीय है और हमारी सेवा में भी उन लोगों ने अड़ंगा लगाने की कोशिश। मथुरा के कस